मेरा नाम कुमार पुष्पेंद्र है और मैं आपको यहाँ पर थोड़ा IRCTC सर्विसेज के बारे में बताना चाहूँगा। बेसिकली जो CSC की ट्रैवल सर्विसेज है उसमें एक IRCTC रेलवे टिकटिंग की भी सर्विस है, जिसके अंतर्गत हर VLE को एक ऑथोराइज्ड रेलवे एजेंट बनाते हैं हम। बेसिकली होता क्या है, बाहर से अगर आप रेलवे का एजेंट बनते हैं तो उसमें बहुत पैसे खर्च होते हैं, बस CSC में भी जो फीस पहले 1000 रुपये थी, फिलहाल हम लोगों ने आप लोगों को ऑथोराइज एजेंट बनाने के लिए सिर्फ 10 रुपये कर रखा है। इसे कुछ प्रोसेस हैं और कुछ इसमें प्रॉब्लम होती है रजिस्ट्रेशन में, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। आप यहाँ देख रहे होंगे स्टेटस, एज ऑफ नाउ जो स्टेटस है टोटल रजिस्ट्रेशन, हमें बेसिकली हर CSC हर VLE को ऑथोराइज एजेंट बनाना है, इसके लिए हर VLE को रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। लेकिन आज का जो सिनेरियो है उसमें IRCTC का टोटल रजिस्ट्रेशन हुआ है 1,74,000 और एजेंट कोड उसमें से क्रिएट हुए हैं 1,18,000 सिर्फ, जो ये लगभग 55-56 हज़ार जो कोड्स का गैप है वो बेसिकली इसलिए है कि रजिस्ट्रेशन करने के दरमियान VLEs कुछ गलतियां कर बैठते हैं जो उन्हें पता नहीं होता अनइंटेंशनली, जिस कारण से उनकी ID क्रिएट नहीं होती। तो सबसे पहले तो मैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में थोड़ा बताऊंगा, फिर आपको बताऊंगा क्या क्या एरर्स हैं जिसके रेक्टिफाई करने के लिए हमने IRCTC से बात कर रखी है, और आप लोगों का भी सहयोग चाहिए कि आप जो CSC का रजिस्ट्रेशन पोर्टल है वहाँ जाकर अपने डेटा को अपडेट करें। सबसे पहले मैं चलना चाहूँगा कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में बताना चाहूँगा कि आप इसको पहले समझिए। जब आप डिजिटल सेवा पोर्टल पर लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के दरमियान ID पासवर्ड देकर लॉगिन करते, लेफ्ट साइड में आप देखेंगे सर्विसेज का ऑप्शन है, सेकंड में डैशबोर्ड के नीचे सर्विसेज जो ओवल में सर्कल कर रखा है। पंकज जब आप लॉगिन करते हैं अपने डिजिटल सेवा पोर्टल पे तो लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं सर्विसेज का टैब है, सेकंड पे सर्विसेज के टैब पे क्लिक करने के बाद जो राइट में आप वहां सर्च ऑप्शन है वहां आपको IRCTC सर्च करना है। मैं रजिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूं, टिकटिंग वाली बाद में बात करूंगा। जब IRCTC आप क्लिक सर्च करते हैं तो दो ऑप्शंस खुलते हैं आपको, पहला है IRCTC रजिस्ट्रेशन, दूसरा है रेलवे टिकट बुकिंग। तो रजिस्ट्रेशन पे जब आप क्लिक करेंगे देन आपका ये आपको डिजिटल कनेक्ट में दोबारा से लॉगिन करना होगा। जब आप इस पे लॉगिन करते हैं नेक्स्ट पेज पॉपअप होगा जिसमें सबसे लास्ट ऑप्शन है IRCTC रजिस्ट्रेशन। IRCTC रजिस्ट्रेशन करेंगे आप, जब इस पर क्लिक करेंगे तो एक पेज ओपन होगा जिसपे सबसे पहला ऑप्शन है रजिस्ट्रेशन का, सेकेंड ऑप्शन है अपना स्टेटस चेक करने का, जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा है वो अपना स्टेटस यहाँ चेक कर सकते हैं, थर्ड ऑप्शन है जिन्होंने डॉक्यूमेंट या मोबाइल नंबर अपडेट करने हैं वो यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले रजिस्ट्रेशन की बात करता हूँ। रजिस्ट्रेशन पर जब आप क्लिक करेंगे तो एक पेज ओपन होगा जिसपे आपको थोड़े से डिटेल अपने डालने हैं, लेकिन डिटेल डालने में सावधानी क्या बरतनी है मैं आपको बताऊंगा। जैसे ये पेज पॉपअप होता है आपका CSC ID और आपका नाम ऑटो पॉपुलेट होता है इस फॉर्म पे, तो सबसे पहले वहीं चेक करें क्या ये सही है, अगर ये सही है तो प्रोसीड कीजिए, एल्स मत कीजिएगा। आप एक टिकट या मेल कर दीजिएगा, मैं अपना मेल ID और मोबाइल नंबर आपको शेयर करूंगा लास्ट में। जब आप यहाँ पर देख लिए कि आपका सब कुछ सही है, आप यहाँ पर अपना एड्रेस डिटेल सारे के सारे, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, पैन कार्ड नंबर, ये सब मैंडेटरी आइटम्स हैं। पैन कार्ड नंबर के बारे में ये बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे रजिस्ट्रेशन करने के दरमियान VLE ने क्या किया, उनके पास पैन कार्ड नहीं था, उन्होंने अपने भाई का, बहन का या किसी रिश्तेदार का, किसी दोस्त का पैन कार्ड को अपलोड कर दिया। ID है गणेश कुमार की, पैन कार्ड है मोहन कुमार का। हुआ क्या, इनिशियली जब वो आधार से लिंक नहीं था हमारा IRCTC का सर्विस तो टिकट बुकिंग कर पा रहा था, लेकिन जैसे ही आधार से उसको ऑथेंटिकेट किया गया बीच में, तो जब डेटाबेस सर्च किया तो वो मोहन कुमार का रमेश कुमार से मैच नहीं हुआ, उसको जो कल तक लॉगिन कर रहा था आज वो दिखाने लगा इनवैलिड यूज़र। तो इन बातों का ध्यान रखना है कि पैन कार्ड उसी VLE का होना चाहिए जिसने रजिस्ट्रेशन किया है, जो अपने लॉगिन से कर रहा है उसी का पैन कार्ड अपलोड करना है आपको, नंबर भी डालना है। उसके बाद मोबाइल नंबर में इशू क्या हो रहा है, बहुत सारे जगह पे जैसे मैंने अपना मोबाइल नंबर अगर डालता हूँ तो आप रजिस्ट्रेशन पोर्टल में मोबाइल नंबर डाल दिए, मैंने IRCTC के प्रोसीड किया, IRCTC को फॉरवर्ड किया, उसके पास से मेरे पास इन्फॉर्मेशन आ गई कि मोबाइल नंबर एग्जिस्ट। इसका मतलब ये है कि वो ID नहीं बन सकता, क्योंकि वो जो मोबाइल नंबर VLE ने दिया हुआ है ऑलरेडी IRCTC के डेटाबेस में, CSC के डेटाबेस में नहीं। आप बहुत लोगों का क्वेरी ये होता है कि मैंने जब CSC में डाला तो वहाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ले लिया उसने, एक्सेप्ट कर लिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ CSC में 6 लाख VLE होंगे, बट IRCTC के पोर्टल पे जो 7 करोड़ लोग अपनी ID बना रखे हैं वो उस डेटाबेस से वो फेच करता है
जब उसको हम कोड क्रिएशन के लिए देते हैं, तो वहाँ मोबाइल नंबर जो आपके पास अवेलेबल आज है, हो सकता है किसी और ने उसको रजिस्टर कर रखा होगा, वो आईडी नहीं बन पाएगा, डुप्लीकेट मोबाइल नंबर या मोबाइल नंबर एग्जिस्ट करके प्रॉब्लम एरर आएगी, इस कारण से भी आईडी नहीं बनते हैं। तो बहुत सारे वीएलई जो बहुत पहले रजिस्ट्रेशन कर रखे हैं, इस कारण से भी उनकी आईडी नहीं बन पा रही। बात चल रही है हमारी आईआरसीटीसी के साथ कि इसको कैसे रेक्टिफाई करें और कैसे आप इसको रिजॉल्व कर सकते हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके बाद जो आपने पैन कार्ड नंबर और एड्रेस दिया है, उसका एड्रेस का डॉक्यूमेंट और पैन कार्ड आपको स्कैन कर जेपीईजी फॉर्मेट में 100 KB के नीचे की फाइल होनी चाहिए, आपको अपलोड करना है। याद रखिएगा, अगर वो किसी कारण से भी ब्लर हुआ, एड्रेस मिसमैच हुआ, या पैन कार्ड किसी और का हुआ, या दिख नहीं रहा है, तो आईडी नहीं बन पाएगी। फिर उसके बाद आप स्टेटस चेक करेंगे तो आपको ये आएगा कि ऑलरेडी पैन कार्ड एग्जिस्ट, मोबाइल नंबर एग्जिस्ट, जिस कारण से आपकी आईडी नहीं बन पा रही है और परेशान हो रहे हैं आप। तो इन सब बातों का ख्याल रखते हुए जब आप लास्ट में इसको सबमिट क्लिक करते हैं, तो आपके वॉलेट से 10 रुपये का डिडक्शन होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सीएससी में 1000 रुपये का फ़ी था, जो आप लोगों के लिए अभी 10 रुपये कर रखा है रजिस्ट्रेशन फ़ी। ज़्यादा से ज़्यादा लोग रजिस्टर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऑथोराइज्ड एजेंट बने सीएससी के थ्रू रेलवे के, और टिकट बुकिंग करके ज़्यादा अर्न कर सकें। तो 10 रुपये कटने के बाद आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा, उस रेफरेंस नंबर को आपको संभाल कर रखना है स्टेटस चेक करने के लिए। जो मैंने आपको बताया पॉइंट्स क्या रिमेंबर रखना है रजिस्ट्रेशन करने के दरमियान, पहला मैंने जैसे बताया आपको कि ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी मोबाइल नंबर यूनिक होना चाहिए। आप बोलेंगे मैं तो रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर डाल रहा हूँ, ये तो यूनिक है, मेरा तो दिखा नहीं रहा। मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जब भी आप IRCTC के रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करें, उसके पहले IRCTC के पोर्टल पर जाकर अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पैन कार्ड नंबर, ये तीनों वहाँ उसकी अवेलेबिलिटी पहले चेक कर लें। अगर वो नंबर वहाँ अवेलेबल है, अगर अवेलेबल होगा तो IRCTC के पोर्टल पर ग्रीन सिग्नल आएगा, साइन का निशान। अगर अवेलेबल नहीं है तो लिखा आएगा एरर, पैन एग्जिस्ट या नॉट अवेलेबल। अगर नॉट अवेलेबल है तो वो नंबर, वो ईमेल आईडी आप यूज़ नहीं कीजिएगा, अदरवाइज वो जंक डेटा है हमारे लिए और आपके लिए परेशानी है। आप बोलेंगे कि मैं 2 महीना पहले रजिस्टर कर रखा था, मेरा आईडी नहीं बना सर। तो आप सबसे पहले मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पैन कार्ड, ये तीनों IRCTC, मैंने एक लिंक दे रखा है IRCTC.co.in/NGET/user-registration, यहाँ जाकर, ये जनरल पोर्टल है, आप IRCTC.co.in खोलेंगे, वहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा पेज। वहाँ ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और पैन कार्ड को सबसे पहले आप चेक कर लें। आप जब वहाँ पैन कार्ड नंबर डालेंगे तो वहाँ दिखाएगा वो एग्जिस्ट है या नहीं है। मैं वही बोल रहा हूँ, मैं सबसे पहले मैं आपको ही बोला था कि पैन कार्ड पे जो आईडी बन रही है, डुप्लीकेट पैन कार्ड या पैन कार्ड एग्जिस्ट का एरर आ रहा है। मैं एरर क्या आ रहा है मैं इसके अगले पेज पे आपको बता रहा हूँ। तो ये चेक करने के बाद आप सीएससी के रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करें और ध्यान दें, पहले आपसे 2-3 नंबर मांगा जाता था, इस बार मैं आप लोगों से स्पेशली बोल रहा हूँ सिर्फ एक नंबर, एक ईमेल आईडी दें जो अवेलेबल है, ताकि हम जब IRCTC को फॉरवर्ड करते हैं वो भी एक ही नंबर कंसिडर करता है। बहुत लोगों ने ये कह रखा है कि मैं 3 नंबर दे रखा था सर, पहला चलिए ठीक है एक्सेप्ट नहीं किया, दूसरा पे क्यों नहीं किया। IRCTC वाले नहीं बोलते, वो सिर्फ एक चेक करेंगे और बोल देंगे नहीं बनेगा। तो आप लोगों से है, पहले मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी चेक करने के बाद हमारे सीएससी रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर जाकर के रजिस्ट्रेशन करें। और जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन कर रखा है, मंडे से ये फीचर अवेलेबल हो जाएगा, स्टेटस वाला जो मैंने आपको दिखाया था, सेकंड ऑप्शन था, वहां जाकर अपनी सीएससी आईडी या रेफरेंस नंबर डालेंगे तो आपको इशू पता चल जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है जिस कारण आपकी आईडी नहीं बन रही। आइदर पैन कार्ड एग्जिस्ट आ रहा है, मोबाइल नंबर एग्जिस्ट आ रहा है, ईमेल आईडी आ रहा है, जो भी आ रहा है वापस से आप रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर जाकर के उसे अपडेट कर दें। अपडेट करेंगे क्या, पैन कार्ड एक ही होता है, मैं मोबाइल नंबर ईमेल की बात कर रहा हूँ। पैन कार्ड के बारे में आपको एरर भी आ रहा है जो मैं बताता हूँ नेक्स्ट पेज पे, मोबाइल नंबर ईमेल आईडी के बारे में बता रहा हूँ कि पहले इसको चेक करने के बाद आप रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे अपडेट करें, विद इन 15 से 20 दिन के अंदर आपका आईडी बन जाएगा। अब जो मेन एरर आ रहा है जो आप बोलते हैं पैन कार्ड के बारे में, देखिए मुख्य एरर जो मैंने पहले आपको बताया, मोबाइल नंबर एग्जिस्ट, दैट मीन्स वो जो मोबाइल नंबर आपने प्रोवाइड करा रखा है वो IRCTC के डेटाबेस में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। ईमेल आईडी एग्जिस्ट, दैट इज ईमेल आईडी जो आपने प्रोवाइड करा रखा है IRCTC के डेटाबेस में एग्जिस्ट है। इसके लिए आपको मैंने पहले बताया कि IRCTC के पोर्टल पर जाकर यूनिकनेस चेक करें, अपडेट करें, आईडी बन जाएगा। थर्ड है पैन एग्जिस्ट, पैन शुड बी वेरीफाइड। ये वो केसेस हैं जिसपे पैन आईडी, पैन आपने किसी और का डाल रखा है या एक पैन पे आपने पर्सनल आईडी बना रखा है। वैसे वीएलई जो सीएससी में रजिस्ट्रेशन करने के पहले अपने पर्सनल आईडी उन्होंने बना रखा है और वॉलेट यूज करते हैं IRCTC का,
वहाँ उन्होंने पैन की डिटेल दे रखी है, उनका भी आईडी क्रिएट नहीं होगा। इसके लिए पहले आपको अपने उस पर्सनल यूज़र में जाकर के पैन को रिलीज़ कराना होगा। जो रिलीज़ कराने का ऑप्शन है, आप सारे वीएलईज लोग को एक डिजी मेल जाएगी 2-3 दिन का, कैसे रिलीज़ करते हैं। अगर आपका वहाँ पैन कार्ड पर्सनल यूज़र में आपने दे रखा है तो रिलीज़ कीजिए। रिलीज़ करने के बाद आपका स्वतः यहाँ पर आईडी क्रिएट होगा। और लास्ट है आपका एड्रेस और पैन ब्लर। आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हुए हैं ब्लर है, दिख नहीं रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा, या एड्रेस जो है मिसिंग है, मिसमैच है, ये सारी चीज़ें आपको जब ये एरर आता है, इसके बाद आप अपडेशन पे जाकर करेक्शन कर दें। रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे हम डेटा हर 15 दिन पे आईआरसीटीसी को भेजते हैं और ऐसा टेंटेटिवली है कि 15-20 दिन के अंदर वो हमें आईडी बना करके दे देगा। पहले आईडी खुद बनाते थे, बट अभी बल्क में चूंकि बहुत सारे रजिस्ट्रेशन हुए हैं, इनको जल्दी क्लोज करना। और आप लोगों से भी आग्रह है कि जितने लोग नहीं किए हैं अब तक, वो रजिस्ट्रेशन करें और ऑथोराइज एजेंट बने और आईआरसीटीसी की सर्विसेज का लाभ उठाएं। थैंक यू वेरी मच। तीन बातें